खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां मरीज को लेकर जा रही कोविड एम्बुलेंस में आग लग गई। राहत की बात यह है कि एम्बुलेंस चालक की सतर्कता की वजह से मरीज की जान बाल बाल बच गई। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास। ये वो एम्बुलेंस है जिसमें आग लग गई। ये ड्राइवर की सूझबूझ थी कि मरीज जो कि कोरोना संक्रमित था उसकी जान बच गई। ट्रैफिक पुलिस और वहां मौजूद कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मदद से आग बुझाया गया। शॉर्ट सर्किट से एम्बुलेंस में आग लगने की बात अब सामने आ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना मरीज को ले जा रही ये एम्बुलेंस भले ही जल गई हो, लेकिन मरीज सुरक्षित है और इसकी वजह है ड्राइवर की सूझबूझ और वहां मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। बात महाराष्ट्र की, जहां कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें से हम चाहते हैं कि हम शुरुआत करें। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस सामने आ चुके हैं। 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे आज बैठक ले सकते हैं, जिसमें तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हो सकता है कि लॉकडाउन पर कोई फैसला लिया जा सके। हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि सरकार 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की योजना बना रही है। वहीं इन सबके बीच एक राहत खबर आई है। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिन से जारी कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बाद आज से एक बार फिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेक्टर डीकेसी में फिर से वैक्सीन लगने के काम में कर्मचारी लग गए हैं। पिछले 3 दिन से यहां कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबर आ रही थी, लेकिन कम से कम तमाम चिंताओं के बीच एक राहत भरी खबर यह तो है कि आज एक बार फिर से वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन 300 से ज्यादा मौत का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में छुआ, तो सीएम उद्धव ठाकरे ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। उप मुख्यमंत्री के साथ उद्धव ठाकरे बैठक करेंगे और बहुत संभव है कि 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में लग जाए। हालांकि पुख्ता तौर पर तभी कुछ कहा जा सकता है जब खुद मुख्यमंत्री इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।